पीएनबी बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के 112 सामानों की नीलामी कल यानी गुरुवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सैफरन आर्ट इस नीलामी को अंजाम देंगी। नीलामी में नीरव मोदी के हीरे की महंगी घड़ियां, कार और दुर्लभ पेंटिंग्स की भी बोली लगेगी। सैफरन आर्ट ने बताया कि नीरव मोदी की घड़ियों में से एगर ला कॉट मेन्स की रिवोर्सो गिरोट्रोबियन 2 स्मृति संस्करण के 70 लाख रुपयों में और पोटेक फिलिप की नोटिस ब्रांड के सोने और हीरे की घड़ियों के भी 70 लाख रुपए तक में नीलामी होने की उम्मीद है। लग्जरी कारों में रोल्स रॉयल घोस्ट से 95 लाख रुपए मिल सकता है, जबकि नीलामी में लग्जरी खुर्दा ब्रांड हरम के बिरकिन और केली कलेक्शन के हैंडबैग भी रखे जाने हैं, जिनके प्रत्येक के 6 लाख रुपए तक के बिकने की उम्मीद है। इसके बाद 72 सामानों की अगले सप्ताह ऑनलाइन नीलामी होगी। ये नीलामी 3 और 4 मार्च को हो सकती है। बीते साल मार्च में सैफरन आर्ट ने मोदी के मालिकाना हक वाली कुछ पेंटिंग्स की नीलामी की थी। इससे 55 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। बता दें कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। वह देश से फरार है और आखिरी बार ब्रिटेन में देखा गया था। गुरुवार की नीलामी में अमृता शेरगिल की 1935 की एक पेंटिंग, एमएफ हुसैन की महाभारत श्रीलंका में से एक ऑयल पेंटिंग, वीएस गायल को तोंडे की 1972 की एक पेंटिंग और मंजीत बाबा की कृष्ण पेंटिंग भी शामिल है। इसमें शेरगिल और हुसैन की पेंटिंग के 12 से 18 करोड़ रुपए, गायत्री कोंडे की पेंटिंग 7 से 9 करोड़ रुपए और बाबा की पेंटिंग के 3 से 5 करोड़ रुपए में नीलाम होने की उम्मीद है। इसके अलावा राजा रवि वर्मा की पेंटिंग भी नीलामी में रखी जाएंगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।